कब कहां पर कितना पढ़ना है इस वीडियो में सारा क्लियर हो जाएगा। यह वीडियो वन एंड ओनली वीडियो आपके लिए NFS के बाद में आपको कोई वीडियो देखनी उतनी पड़ेगी, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यह वीडियो एक पूरा रोड मैप है कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, कैसे कैरी ऑन करना है, किस तरीके से उसकी एंडिंग करनी है, कौन सी NCERT बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी स्टैंडर्ड बुक पढ़नी चाहिए, कौन सा नोट्स आपको पढ़ना है, प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ना है, मेंस के लिए क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ऑफलाइन क्या रिसोर्सेज होने चाहिए, ऑनलाइन क्या रिसोर्सेज होने चाहिए, कब कहाँ पर कितना किस चीज़ को टाइम देना है इस वीडियो में सारा क्लियर हो जाएगा। यह वीडियो वन एंड ओनली वीडियो आपके लिए इनफ रहेगी, इसका आपको कोई वीडियो देखनी हो तो नहीं पड़ेगी। UPSC 2022 के लिए करीब करीब 9 महीने बचे हैं, तो उसको किस तरीके से स्टार्ट करना है, क्या बुक लिस्ट हो आपके, क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन कौन सी स्मार्ट स्टडी टिप्स आपको पॉइंट्स आपको लगाने हैं, कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, और ये आपके यूट्यूब की मोस्ट सेटिस्फाइंग वीडियो होने वाली है जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में दे देगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना। आप हमें इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं और आपको इंपॉर्टेंट जानकारी आगे आपको बताई जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं कभी भी स्ट्रेटेजी बताता हूँ तो उसमें सबसे पहले आपको एक रोड मैप बताता हूँ, रोड मैप यानी किस तरीके से आपको चलना है। तो देखिए, अभी आपको सेप्टेम्बर चल रहा है, सेप्टेम्बर के भी 12-13 दिन निकल गए हैं, सेप्टेम्बर से अक्टूबर तक आपके पास करीब 45 दिन रह जाएंगे, फिर नवंबर दिसंबर ये आपका सेकंड फेज होगा, इसको मैंने फेज़ वन दिया, इसको फेज़ टू, फेज़ थ्री, फेज़ फोर, फेज़ फाइव। फेज़ वन में 2 मंथ, इसमें भी 2 मंथ, इसमें भी 2 मंथ, इसमें 1 मंथ, और इसमें अप्रैल वाले में आपके इसमें अप्रैल मई में ये भी 2 मंथ आते हैं। तो ये इस तरीके से मैंने रोड मैप को डिवाइड किया है, आपके पूरे 9 मंथ्स को इस तरीके से डिवाइड है इसमें। तो देखिए, UPSC की प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास ये 10 स्टेप्स होते हैं जिनको मैंने लेवल्स में डिवाइड किया है, आप इनको लेवल कह सकते हैं या स्टेप्स कह सकते हैं, जिसको मैंने डीकोड किया कि आपको UPSC की प्रिपरेशन में स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से चलना है। पहला आपका 0 लेवल, दूसरा NCERT, तीसरा स्टैंडर्ड बुक, चौथा ऑप्शनल, पांचवा डायनेमिक सब्जेक्ट, 6 आपका करंट अफेयर, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स, मेंस फेज, प्रीलिम्स फेज, मेंस फेज। तो देखिए, 0 लेवल आपका क्या होता है, 0 लेवल में आपको केवल अपने UPSC के प्रिपरेशन करने से पहले आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपको उसका सिलेबस अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। सिलेबस मैक्रो और माइक्रो दो तरीके से होता है, टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने उसमें मैक्रो और माइक्रो दोनों सिलेबस डाल रखे हैं। UPSC सीरीज पार्ट 51 में मैंने पूरा डीकोड कर रखा है सिलेबस को और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को। NCERT का UPSC सीरीज पार्ट 52 में जाकर देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको पार्ट 53 में देख सकते हैं, ऑप्शन को किस तरीके से चूज करना है UPSC सीरीज पार्ट 21 में देख सकते हैं, डायनेमिक सब्जेक्ट्स कितने होते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, तो पार्ट UPSC सीरीज का पार्ट 8 में देख सकते हैं, करंट अफेयर को आप UPSC सीरीज पार्ट 54 में देख सकते हैं, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग पार्ट 29 या 47, प्रीलिम्स मेंस का फेज आगे बताया जाएगा। तो ये सारी के सारी वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं प्रॉपर गाइडेंस के साथ में एक सटीक तरीके के साथ में स्ट्रेटेजी के साथ में वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप जाके चैनल पर उन वीडियो को देख सकते हैं, UPSC सीरीज पार्ट 1 से लेकर पार्ट 100 तक। अब मैं आपको बताता हूँ किस फेज में आपको कितना पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट फेज की बात करते हैं, ये आपका सितंबर अक्टूबर, इसमें आपको 45 डेज होते हैं, इसमें आपको केवल 2 ही सब्जेक्ट कवर करने हैं, वो है पॉलिटी और एंड इकोनॉमी आपका, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, दोनों का आपका सिलेबस, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और NCERTs, सिलेबस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ेंगे तो उससे पहले आपको 8-10 साल का ये एनालिस करना है। उसका आप बोलेंगे NCERT कौन सी, तो देखिए पॉलिटी के लिए मैंने NCERT केवल 2 NCERT बता रहा हूँ, क्लास 11th के पढ़ लेना, 2 NCERT आते हैं उनको पढ़ लेना, और इकोनॉमी के लिए क्लास 11th के एक NCERT आती है उसको पढ़ लेना, द इंडियन इकोनॉमी, ये 3 NCERT आपके लिए NFS, इससे ज़्यादा कुछ मत पढ़िए, फर्स्ट रीडिंग करिए, सेकंड रीडिंग करिए, उसके बाद में आप उसको थर्ड रीडिंग में कर सकते हैं NCERT का, उसके बाद में आप स्टैंडर्ड बुक लक्ष्मीकांत पर जा सकते हैं और इकोनॉमी की मुन्नाल सर के नोट्स आते हैं उनको जा सकते हैं या संजीव वर्मा की बुक पर जा सकते हैं। अगर NCERT बाद में आपको स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़नी तो विजन IAS के नोट्स को पढ़ सकते हैं, वो काफ़ी फ्रूटफुल रहेंगे, हेल्पफुल रहेंगे, या तो लक्ष्मीकांत पढ़ो या विजन IAS के नोट्स या मुन्नाल पटेल सर के नोट्स या विजन IAS नोट्स, एनफ रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं करंट अफेयर के लिए, देखिए करंट अफेयर के लिए आपको एक चीज़ बता दूँ, यहीं पर मैं पूरा साल का बता दूँ, करंट अफेयर आपको करीब 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 मिनिमम 13 महीने का पढ़ना होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, विजन IAS की मैगजीन आती है मई जून को पढ़ लेना, 2022 का अटैम्प्ट है तो मई 2021 जून 2021 की मैगजीन आप पढ़ लेना। न्यूज़पेपर यूट्यूब पर काफ़ी सारे एनालिसिस आते हैं, उनको देख लीजिए, कुछ कटिंग्स आती हैं न्यूज़पेपर, अगर आपके घर पे आ जाए तो आप उसको पढ़ सकें तो और बढ़िया, अगर नहीं आता आपके घर पर तो आप जो कटिंग्स आती हैं उनको पढ़ सकते हैं या जो एनालिसिस करके दिखाते हैं यूट्यूब चैनल पर उसको कर सकते हैं। फेज़ टू की बात करते हैं, फेज़ टू में आपको क्या करना है, तो फेज़ टू में आपको देखिए 2 सब्जेक्ट्स में कवर करा दिए, तो 2 सब्जेक्ट इसमें ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट और इकोलॉजी वगैरह, डिजास्टर मैनेजमेंट और छोटे छोटे टॉपिक होते हैं उसको सब में इसमें कवर कर लेना। फिर वही किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका सिलेबस पढ़ो, उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़ो कम से कम 8-10 साल के, और फिर उसकी NCERTs पढ़ो, ठीक है। NCERTs ज्योग्राफी की बता दूँ, क्लास 11-12 की पढ़ लेना, 4 NCERT हैं केवल,
लेकिन आप बोलेंगे मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, तो 9th 10th की 11th NCERT पढ़ लेना, ये आपके लिए सही रहेगा। एनवायरमेंट की कोई NCERT पढ़ने की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर इसके लिए एनफ होता है, सी मतलब करंट अफेयर। बहुत सारे स्टूडेंट शंकर आई इसकी बुक पढ़ते हैं, अगर आपके पास प्रॉपर 1-2 साल है तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दीजिए। ज्योग्राफी के अगर आपको NCERT पढ़ने वाले में कहीं पे शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं 20-40-50 पेज के, तो उनको आप पढ़ सकते हैं, या मुन्नाल पटेल सर के नोट्स होते हैं उनको आप पढ़ सकते हैं ज्योग्राफी वाले। और एनवायरनमेंट की बात करूंगा तो एनवायरनमेंट के लिए आप किसी भी कोचिंग का मटेरियल पढ़ लीजिए, विजन आई इसका हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए बढ़िया रहता है, फिर भी आप दृष्टि का भी पढ़ सकते हैं हिंदी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड चीज़ के बारे में बात करते हैं आपको अपना नवंबर में ऑप्शन सब्जेक्ट स्टार्ट कर देना है। मैं तो ये बोलूँगा कि सेप्टेम्बर चल रहा है, सेप्टेम्बर के बाद में अक्टूबर आता है, उसमें आप ऑप्शन को मतलब चूज़ करके उसको स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो ऑप्शन को आप स्टार्ट कर सकते हैं नवंबर दिसंबर, डेली 4 घंटे पढ़िए, ठीक है। थर्ड फेज़ की बात करते हैं, थर्ड फेज़ में आपका जनवरी फरवरी आता है, इसमें आपको 2 चीज़ करनी है केवल, ठीक है, ये आपके 2 मंथ्स हो देंगे। इसमें आपको पहले क्या करना, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को पढ़ना है। तो देखिए हिस्ट्री में आपके 3 पार्ट होते हैं, एंशियंट मेडाइवल, इसके लिए आप क्या करेंगे, वाजीराम का नोट्स आता है वो पढ़ लीजिए, या दृष्टि का नोट्स आता है, हिंदी मीडियम वाले दृष्टि का नोट्स पढ़ लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले वाजीराम का, क्योंकि विजन देता नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप विजन आई इसका नोट्स पढ़ लीजिए, सही रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ते हैं, ये स्टैंडर्ड बुक्स होती है, जरूरी नहीं है अगर आप विजन आई इसके नोट्स को पढ़ते हैं तो, अगर नहीं पढ़ते हैं वो अलग चीज़ है, तो पढ़ लीजिए आप। एंशियंट मेडाइवल के लिए जो कि ये है, इसके लिए वाजीराम का नोट्स या दृष्टि का नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो तमिलनाडु की हिस्ट्री बुक आती है उनको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आंसर राइटिंग आपको यहाँ से स्टार्ट कर देनी है जनवरी फरवरी से, और इसमें आपको हिस्ट्री तो कवर करनी है जनवरी फरवरी में, आपको ये और करना है, कुछ डायनेमिक सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, जैसे इंडिया, ये हमारे GS 1, 2, 3, 4 के जो सब्जेक्ट आपके बचेंगे, जैसे इंडियन सोसाइटी बचा, इंटरनेशनल रिलेशंस बचा, ठीक है, और इंटरनेशनल सिक्योरिटी बचा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बचा, तो इनको आप विजन आई इसके नोट से कवर कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा, पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आपको नहीं पता विजन आई इसके नोट्स कहाँ से परचेस करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में 2022-23 दोनों के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ फेज़ के बारे में, ये है आपका मार्च का फेज़, इसमें आपको क्या करना है, क्वालिफाइंग सब्जेक्ट जो आपके होते हैं हिंदी इंग्लिश सी सेट, इसकी थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, थोड़ी थोड़ी टेस्ट सीरीज, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहना है। इसमें जो आपके कुछ रेस्ट डायनेमिक सब्जेक्ट्स बचे होंगे जो मैंने आपको बताया था ये भी यहाँ पे, तो इनको भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे अगर बचे हों तो, रेस्ट पोर्शन अगर आपका किसी सब्जेक्ट का बचा है तो आप उसको भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे या आंसर राइटिंग को आपको यहाँ पे फाइनलाइज करना है, वैसे प्रैक्टिस करते हुए आ रहे होंगे आप। हाँ, आपको एक चीज़ और बताऊंगा अभी आगे कि ऐसे की आंसर राइटिंग की कुछ स्ट्रैटेजी हैं, कुछ एथिक्स के पेपर की स्ट्रैटेजी हैं, तो भी बताऊंगा। एंड ये आपका टेस्ट सीरीज को स्टार्ट कर देना आपको मार्च में, ये है आपका लास्ट फेज, ठीक है। इसको मैंने 2 मंथ में केवल डिवाइड किया है, इसको मैंने बोला है प्रीलिम्स का फेज है, ये प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड है, इसमें केवल प्रीलिम्स की स्टडी करनी है। तो प्रीलिम्स में आपके 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, केवल उन्हीं का रिवीजन करना है, उन्हीं की स्टडी करनी है, साथ में जो भी आपके टेस्ट सीरीज है उसको सॉल्व करते रहना, और लास्ट का जब 1 महीना बचे आपका उसमें आपको केवल प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, लास्ट का 1 महीना या लास्ट का 15 दिन, उससे पहले पहले टेस्ट सीरीज करते रहना, और फिर आपका सी सेट के लिए आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, उसके लिए प्रैक्टिस वगैरह करनी हो वो यहाँ पर कर सकते हैं, और ऑप्शन के लिए कम से कम 1 घंटा तो रिवीजन करें, अदरवाइज आप 2 महीने में भूल जाएंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में डाउट है, सर आंसर राइटिंग अब से स्टार्ट करें, देखिए जनवरी फरवरी मार्च इसमें आपको करीब 100 डेज होते तो 90 दिन है, लेकिन 10 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा लेना किसी मंथ में, 100 डेज आपको 3 क्वेश्चन डेली लिखने हैं, ठीक है, टोटल आपके 300 क्वेश्चन हो जाएंगे, इतनी प्रैक्टिस आपके लिए बहुत रहेगी, ये आपके मेंस की प्रैक्टिस हो जाएगी टोटली, ठीक है। आप बोलेंगे कितना टाइम दें, तो डेली का 1 घंटा देना 3 क्वेश्चन लिखने के लिए, जिसमें 40 मिनट उसको राइटिंग के लिए देना 3 क्वेश्चन को, और 20 मिनट उनको एनालाइज करने के लिए देना, 1 घंटा डेली देना 3 मंथ के लिए, इतना आंसर राइटिंग आपके लिए बहुत रहेगा, जनवरी से मार्च तक कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज आपको कब से स्टार्ट करना है, तो देखिए मार्च अप्रैल और मई, ये 3 महीने के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, ठीक है। टेस्ट सीरीज या तो आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी कोचिंग की, या परचेस करके ऑफलाइन घर पे टेस्ट देके खुद से एनालाइज करना, परचेस करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वो यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। बोलेंगे कितनी, तो कम से कम 30 या 35 या 50 टेस्ट आप दे सकते हैं, मेंस की कितने प्रैक्टिस करने वो सारे आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लें, जब आप इतनी प्रिपरेशन को कर लेंगे तो आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि मैं मेंस की कितनी सारी करूँ, आंसर राइटिंग बता दिया है। तो देखिए जब मार्च आएगा आपका तो उसमें लाइटली आपको टेस्ट सीरीज वीक में 2 टेस्ट देते रहना, और जब अप्रैल मई आ जाएगा तो उसमें आपको क्या करना है, हर एक दूसरे दिन, जैसे आज 1 टेस्ट देना, फुल टेस्ट देना, फिर एक कल छोड़ देना, फिर परसों, इस तरीके से आप टेस्ट देना, तो इस तरीके से आपके 30-35 टेस्ट बड़े ही आराम से हो जाएंगे। मैंने आपको बता दिया टेस्ट सीरीज को किस तरीके से हैंडल करना है, 3 मंथ कवर करना है, आंसर राइटिंग को किस तरीके से हैंडल करना है, 3 मंथ में कवर करना है, कितने कितने करना है वो भी बता दिया। अब कुछ स्टूडेंट्स का मन में डाउट हो जाएगा, सर ये और बता दो ऑप्शन सब्जेक्ट को कब से स्टार्ट करें, कब से बढ़िया रहता है, तो देखिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीने तो आप ऑप्शन को दीजिए, डेली 4 घंटे पढ़िए,
ठीक है। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। फर्स्ट रीडिंग में आपको नॉर्मली पढ़ना है आपके स्टैंडर्ड बुक्स को या किसी भी ऑप्शन के नोट्स को। सेकंड रीडिंग में आपको थोड़ा अंडरलाइन करते हुए पढ़ना है और थर्ड रीडिंग में उसको आपके नोट्स बनाने हैं। उसके बाद में जैसे ही आपका अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसको टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है उसकी बहुत, तो ये आपके लिए बहुत सही रहेगा। एंड उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे नवंबर से लेकर फरवरी तक, या तो आप अक्टूबर से लेकर जनवरी तक आप 4 महीने दीजिए या नवंबर से लेकर फरवरी तक आप 4 महीने दीजिए। इस तरीके से आप अपने ऑप्शन को 4 महीने में कवर कर सकते हैं। एंड आपको नहीं पता किस तरीके से ऑप्शन को चूज करना है तो यूपी सीरीज पार्ट 21 को देख लेना, इसमें आपका पूरा क्लियर हो जाएगा किस तरीके से मैं ऑप्शन को चूज करूँ और मेरे लिए कौन सा बेस्ट हो जाएगा। आपको एक एडवाइस दे दूँ, आप किसी भी जीएस की यानी यूपीएससी की जो कोचिंग्स होती हैं, GS 1, 2, 3, 4 प्रीलिम्स उसके जो कोचिंग कराते हैं, उनकी कोचिंग बेशक मत लगाइए लेकिन ऑप्शन की कोचिंग लगाइए। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ऑप्शन ही आपका बहुत ज़्यादा मार्क्स आपके गेन करा सकता है, ये आपके रैंक को बहुत ज़्यादा बूस्ट करा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन के लिए मैं आपको एडवाइस करूँगा। डायनेमिक सब्जेक्ट्स के लिए आपको स्टैंडर्ड बुक्स ना पढ़ के कोचिंग और नोट्स पढ़ें और उनके साथ में करंट अफेयर को पढ़ते रहें। करंट अफेयर में न्यूज़पेपर और मैगजीन। बात आती है क्वालिफाइंग पेपर के लिए, तो देखिए क्वालिफाइंग पेपर की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। मेरा क्वालिफाइंग पेपर रीजनल लैंग्वेज हिंदी है तो मैं इसी को चूज करूंगा, आप कोई भी चूज कर सकते हैं, तमिल, गुजराती, बंगाली वगैरह जो भी चूज करें। यूपी सीरीज पार्ट 48 में बता रखा है किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। एंड इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर के किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है पार्ट 49 में। सीसेट के किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है जो कि प्रीलिम्स का आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है पार्ट 50 में, जाके आप देख सकते हैं। अब आपके कुछ डाउट्स अब भी रह जाएंगे कि सर करंट अफेयर के लिए बता दो थोड़ा सा, तो ये भी डाउट क्लियर कर देते हैं आपका। सबसे पहला डाउट कि करंट अफेयर में मुझे कितना पढ़ना है, यही टेंशन में फंसे रहते हैं। तो देखिए आपको 1.5 साल का करंट अफेयर एनफ होता है। आपका जब पेपर हो, मान लीजिए आपको 2023 में पेपर देना है, ठीक है, तो 2022 की जनवरी से करंट अफेयर स्टार्ट करना और जब प्रीलिम्स आ जाए 2023 में, यानी आपको 1.5 साल का करंट अफेयर प्रिपेयर करके रखना है। अगर आप पिछले 2 साल का कर सकते हैं तो और बेटर है। न्यूज़पेपर के आपको नोट्स बनाने हैं तो मैं बोलूँगा नहीं, आपको न्यूज़पेपर के नोट्स नहीं बनाने, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं वेरी शॉर्ट नोट्स बनाना जिसको आप आधे पेज में एक पेज में खत्म करें, तो उसके लिए मैंने यूपी सीरीज पार्ट 14 बना रखा है, जाके देख सकते हैं किस तरीके से न्यूज़पेपर को पढ़ना है, 1 से 1.5 घंटे में किस तरीके से पढ़ने की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और नोट्स कैसे बनाने हैं बिल्कुल शॉर्ट, यूपी सीरीज पार्ट 14। मैगजीन के नोट्स बनाने हैं तो देखिए मैगजीन के नोट्स टॉपिक वाइज बनाना, सब्जेक्ट वाइज बनाना और वेरी शॉर्ट नोट्स बनाना। जो भी टॉपिक हो उसका 1/4 पार्ट ही आपका काम का होता है। मान लीजिए विजन आईएएस के मैगजीन में एक पेज में कोई टॉपिक दे रखा है तो उसका केवल 25% ही कॉन्टेंट आपके काम का है, बाकी छोड़ दो या दिमाग में रखो। सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग, गुड अंडरस्टैंडिंग के साथ में इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। दूसरी चीज, आपको अपने नोट्स वेरी वेरी शॉर्ट्स बनाने हैं, चाहे जीएस के हो चाहे ऑप्शन को, वेरी शॉर्ट। थर्ड चीज, जितना मैक्सिमम रिवीजन कर सकें 10-15-20 बार प्रीलिम्स पेपर से पहले उतना बहुत अच्छा, ज़्यादा रिवीजन करेंगे क्योंकि मैंने आपको बोला है रिवीजन मेक्स रिवीजन, जितना अच्छा रिवीजन उतना अच्छा आपका रिवीजन आएगा, उतना अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट, प्रॉपर टेस्ट सीरीज देना है, प्रीलिम्स के लिए 2 टेस्ट सीरीज देना, मेंस के लिए 1 टेस्ट सीरीज और सीसेट वगैरह के लिए आप, वो आपके ऊपर है, ऑप्शन के लिए टेस्ट सीरीज देना प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से एनालिसिस करके। ये तो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है, लेकिन कुछ आउट ऑफ सिलेबस चीज़ बता रहा हूँ जो अदर एस्पिरेंट फॉलो नहीं करते, इसीलिए वो यूपीएससी में सेलेक्ट नहीं हो पाते, आईएएस वगैरह नहीं बन पाते। देखिए इसके साथ ही आपको एक चीज़ बता दूँ, हमारे चैनल का एक बाहुली द बिगनिंग कोर्स है, वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो जीरो लेवल से अपने स्मार्ट जीरो लेवल से प्रिपरेशन स्टार्ट करके स्मार्ट स्टडी के साथ में ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करके हार्डवर्क को बचाकर 1 से 2 अटैम्प्ट को बचाकर फुल ऑफ स्मार्ट गाइडेंस के साथ में प्रिपरेशन को करना चाहते हैं, जिनको पता है कि किस तरीके से जीरो लेवल से स्टार्ट करना है, कैसे कैरी करना है, तो उनके लिए ये है मेंटरशिप प्रोग्राम है हमारे चैनल का 2022 वाले एस्पिरेंट्स के लिए। इसमें आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा, कॉलिंग के थ्रू आपके डाउट्स वगैरह सॉल्व किए जाएंगे किस तरीके से कब कहां पर आपको क्या करना है। व्हाट्सएप का एक पर्सनल ग्रुप है जिसमें मैं आपको सारे स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दूंगा और साथ में मेरी जो स्मार्ट स्टडीज हैं एंड मेरे जो नोट्स हैं, मेरे जो आंसर राइटिंग है, मेरे जो सैंपल्स वगैरह होंगे वो सारी की सारी आपको आपके साथ में शेयर करता रहूँगा और जो भी अपडेट्स होंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वगैरह से रिलेटेड वो आपको मिलती रहेंगी। मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसको। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना। लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक करके आप नोट्स के रिव्यूज को देख सकते हैं, राइट वाली वीडियो को क्लिक करके आप यूपी सीरीज को देख सकते हैं, एडवांस लेवल को भी और नॉर्मल लेवल को भी। इसके साथ ही इस वीडियो समाप्त करते हैं, अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर जरूर करना। जय हिंद।